वेलकम टू SSC इजी। तो दोस्तों आप लोग के सामने हाजिर है 18 तारीख का मैथ का क्वेश्चन के साथ ऑल शिफ्ट का। दोस्तों जैसा कि सब हमें टाइप बता रहे कि सर ये टाइप का क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे बोला था सर, ओके। तो धीरे धीरे करके हम उसको क्वेश्चन बना रहे हैं। ये जितना भी क्वेश्चन आपको अभी बताया जाएगा ये सब एक्यूरेट वही क्वेश्चन आया था, डिट्टो वही क्वेश्चन था, उसका एक एक अंक तक सेम था, नंबर भी सेम था, ओके। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे तो पैटर्न भी ऐसे बोले कि सर इस पैटर्न का आया, उस पैटर्न का आया, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि हम लोग उस पर क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है ना। उसमें अंक हम लोग खुद से दे रहे हैं, पैटर्न वही रख रहे हैं, नंबर चेंज केवल हो रहा है, क्योंकि नंबर हमें पता नहीं कि एक्यूरेट नंबर क्या है। तो पैटर्न जैसा कि लड़का लोग बता रहे एग्जाम में, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ वो एक्यूरेट सेम टू सेम नंबर तक सेम टू सेम है, पैटर्न भी सेम है, नंबर भी सेम है, एकदम वही क्वेश्चन है, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते, ज्यादा लेट नहीं करते। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। पहला क्वेश्चन आया था कि सॉल्व 1 दी पावर 3, एक सेकेंड, 1 दी पावर 3 प्लस 2 दी पावर 3 प्लस 3 दी पावर 3 प्लस डॉट 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 10 दी पावर 3। ये आपको इसका वैल्यू निकालना था। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो हमारा n यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, n यहां पे हमारा हो जाएगा 10, ओके। 10 तक का हमें निकालना है, तो n हो गया हमारा 10। तो चलिए डाल देते इस फॉर्मूला में 10 इंटू, देखिए 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये 5 बार में गया, मतलब कितना हो गया कि 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 3055। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि मल्टीप्लाई सही हुआ कि नहीं। देखिए 5 5 25 का 5, हाथ में 2, 5 5 25, 50 52, सॉरी यहाँ पे 2 है, ओके, 3025, ओके। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, एकदम यही क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मेहनत को समझिए, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ओके, एंड द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखिए बोला कि एक स्क्वायर है, इसका जो डायगोनल का लेंथ अगर हम बोलते ए है तो वही ए लेंथ का ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक ना, साइड का, ठीक ना। तो बोला कि ए आपको दे दिया है, ये आपको वैल्यू दे दिया है 12, ठीक है। तो देखिए डायगोनल के बराबर ये होगा, तो चलिए अगर हम डायगोनल यहां पे एक्स मानते हैं, ये भी एक्स हो गया, बेसद स्क्वायर है सब एक्स होगा, तो ये डायगोनल का लेंथ कितना आ जाएगा, √2x, क्लियर है। अब पैथागोरस थ्योरम ला के देखिएगा, √2x आएगा, तो इसका मतलब √2x के बराबर ये है, √2x बराबर 12 है, तो x बराबर कितना हो गया 6√2। अब हमको अगर एक साइड पता चल गया तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एरिया 6√2 का होल स्क्वायर, मतलब 36 × 2 दैट इज 72 स्क्वायर यूनिट, ओके। देखिए यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ कि साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ओके, और दिया हुआ आपको साइड, तो आपको स्क्वायर का एरिया निकालना था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव नंबर इज 18, ओके, ठीक है। इफ वी डिवाइड एवरी नंबर बाई 2 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब एक सेकेंड भी नहीं लगेगा इसका निकालने में। देखिए इसमें क्या होता है, रूल होता है कि एवरेज का ध्यान दीजिएगा कि अगर 5 नंबर है, कोई भी 5 नंबर ले लीजिए या 3 नंबर 4 नंबर जो भी लीजिए, अगर सभी नंबर में से कुछ मल्टीप्लाई होगा, जैसे अगर 1 2 3 4 5 5 नंबर है, ठीक है, तो इस 5 नंबर का जो एवरेज होगा, चलिए मान लेते हैं कि 6 होता है, सपोज ऐसे 6 होता नहीं है, मान लेते हैं 6 होता है, तो देखिए क्या होगा कि अगर इसमें से हम सब में से अगर 2 मल्टीप्लाई सब में करेंगे, सब में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा एवरेज में भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही मेरा एवरेज हो जाएगा, नया न्यू एवरेज, ओके, ये रूल होता है। अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो एवरेज में डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि सब में अगर 2 डिवाइड हो रहा है मतलब एवरेज का भी आधा होगा वैल्यू, तो मतलब क्या आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 9 विल बी द राइट आंसर, ओके। ऐसा क्वेश्चन एक SSC CGL में आ चुका है दोस्तों, इस बार के SSC CGL में, ठीक है, उसमें मल्टीप्लीकेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ₹12,000 इज डिपॉजिटेड फॉर 4 इयर्स एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एकदम इजी क्वेश्चन था, ऐसा ही निकालने बोला था, ये तो सबसे इजी होता है। 4 साल के लिए कितना हो जाएगा, 40%, बस आप 40% निकाल दीजिए इसका,
कितना हो जाएगा, देखिए 40% का टाइम 100, 10 10 10 10 मतलब कितना होगा 1200 आंसर। ये सब एक्यूरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कोई भी इसमें अभी जो भी मैं आपको बता रहा हूं डिट्टो वही क्वेश्चन आया हुआ है, ओके डिट्टो यही क्वेश्चन आया, क्योंकि जितना भी स्टूडेंट मुझे बोले मैक्सिमम स्टूडेंट यही बात बोले हैं कि सर 4 ही ईयर्स था, 10% ही था, 12,000 ही था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपने दोस्तों। देखिए प्लीज बहुत मेहनत आप लोग क्लिक कर रहे हैं दोस्तों, इतना फोन करना पड़ा कि मेरा अभी तो जानते मेरे पास जियो भी नहीं है, हम विदाउट जियो का कर रहे हैं। ओके सोचिए कितना बैलेंस लग रहा होगा फोन का, इतना मेहनत कर रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे, मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए इफ मोहन वेज इज 60% मोर देन सोहन वेजेज, तो देखिए वेज क्या है, बोल रहा है कि मोहन का वेज है ना 60% ज्यादा है सोहन का वेज से, तो बोल रहा है कि तब सोहन का कितना परसेंट लेस है भाई, उल्टा घुमा के पूछा मोहन का 60% ज्यादा है सोहन से वेज, तो सोहन का कितना परसेंट कम है मोहन से वेज। तो ऐसा टाइप के लिए क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा जब भी यहां पे मोर दिया होगा, ध्यान दीजिए जब भी यहां पे मोर दिया होगा पहला लाइन में, तो आप क्या कीजिएगा 100 से जोड़ के इसको लिखिएगा और ऊपर एक्यूरेट वाला लिख दीजिएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3/8 × 100%। ठीक है दोस्तों समझ में आया कितना परसेंट, होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप देखिए यहां मोर देखिएगा तो आप नीचे ज्यादा रखिएगा क्योंकि लेस बोला है, ऐसे भी कॉमन सेंस आप लीजिए, जब लेस बोल रहा है तो ऑब्वियस है लेस होगा तो मतलब नीचे ज्यादा वाला पार्ट होगा, तो 100 + 60 होगा। ओके अगर यहां पे लेस रहता और यहां मोर पूछता, मोर जब पूछेगा नीचे ओके लेस दिया हुआ है तो ऑब्वियस है मोर होने के लिए क्या होगा नीचे वाला पार्ट को कम होना होगा, तो 100 - 60 होता ऊपर 60। क्लियर है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूं। ओके अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, मैं इसको फिर से आपको अच्छा सा डिटेल में समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ एन आइटम इज सोल्ड एट ₹180 एट अ लॉस ऑफ 10% फॉर हाउ मच, होगा यहाँ पे दोस्तों फॉर हाउ मच रुपीज डज इट सेल टू गेट गेन ऑफ 10%। बोला कि एक कोई आइटम कुछ भी था, आर्टिकल मानिए कुछ भी मानिए, उसको बेचा गया ठीक ना 10% के लॉस पे, तो हम चलिए मानते 100% पूरा था सीपी, 10% के लॉस पे बेचा गया मतलब 90% हुआ, तो 90% का वैल्यू कितना 180। अब आपको बोला है कि कितना मैं इसको बेचे, कितना पैसा मैं बेचे कि मेरा 10% का गेन हो, तो 10% गेन हो तो किस पे होता है सीपी पे ही होता है, मतलब 110% में कितना होगा, बस यही निकालना है सिंपल सा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इंटू कर दीजिए 180 × 110 / 90, 110 है ना यहां से कट गया 9 से 2 बार में ठीक है 20 × 220 कितना मैं आपको बेचना होगा ₹220 में बेचना होगा। तब होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ दोस्त लोग क्या करते हो यहां पे पहले सीपी निकालते हो, क्यों हम 100% निकालेंगे, हमको 100% का कोई काम नहीं, हम सीपी निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हम यहां पे दिया हुआ डायरेक्ट हम यहां पे निकालेंगे ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड है, एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एट 4% इज ₹8, फाइंड द सम। देखिए यहां पे ये क्या हो गया ना, इस चीज में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो गए कि बोला था सर डिफरेंस दिया हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ था और आपको सम निकालना था, तो उन लोग को एक्यूरेट कुछ हो नहीं पा रहा था, वो लोग बोल नहीं पा रहे थे सर 4% था ठीक ना कितना डिफरेंस था, थोड़ा सा कंफ्यूज सब हो रहे थे, तो मैंने ये क्वेश्चन क्या है, मैंने ये अपने से ही 2 ईयर्स 4% एंड 8 दिया है, बाकी पैटर्न यही सेम टू सेम है। ओके क्योंकि इतना को याद नहीं रख पाता फिर भी इतना हमें बताया, उनके लिए थैंक्स, अनिरुद्ध को हम थैंक्स बोलते हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया, अनिरुद्ध आकाश थैंक यू। चलिए चलते निकालना, हमको सब निकालना है। देखिए डिफरेंस क्या है, SI में आप जानते हैं कि इंटरेस्ट डायरेक्ट जुड़ जाता है, 2 साल के लिए बोला जाएगा 4 है, 1 साल का 4 है तो 2 साल का क्या हो जाएगा 8%। CI में क्या होता है कि जुड़ता तो है प्लस आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि जस्ट डबल कर दीजिए SI का जितना वैल्यू उतना लिख दीजिए ठीक है, डबल कर दीजिए 2 साल के 8 और क्या कीजिए इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए पॉइंट के बाद, समझ गए इजी है
जैसे 5% का होता है, तो क्या लिखते हैं, 5 को डबल कर दीजिए 2 साल के लिए, 10 कर दीजिए, पॉइंट कीजिए इसको, इनटू कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो अब क्या है कि इसका डिफरेंस दिया हुआ 8, तो 0.161 इसका डिफरेंस, ये कितना दिया 8, तो आपको निकालना है कितना 100% कितना होगा, तो आपको 100% कितना आ जाएगा 5000, ठीक ना आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें उससे बोला जाए तो बहुत ही अच्छा फील होगा, और हम लोग और भी ज्यादा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मनोबल थोड़ा सा गिर जाता है अगर हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं मिलता है तो मेरा मनोबल गिर जाता है। तो आप ही लोग क्लिक कर रहे हैं, आप ही लोग का हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें कीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन वो हमें बोले थे, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन में थे वो डेज एक्यूरेट नहीं बता पा रहे थे हमें। 3 times तो बोल रहे थे कि सर ए वर्क्स 3 times ऑफ बी, बट डेज के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे थे। ओके कोई 27 बोल रहा था, कोई 36 बोल रहा था, ओके कोई 9 भी बोला, तो ओके तो मैं ले लिया 9, ठीक है। आपको मैंने कि पैटर्न देखना, पैटर्न जानना है कि कैसा पैटर्न का क्वेश्चन था। ओके तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, ए प्लस बी का दिया हुआ कि 9 दिन में वो काम खत्म करते हैं 9 days में। यहाँ पे वर्क का दिया है कि ए और बी लेते, अगर बी 1 है, एक वर्क करता है, द एक यूनिट करता है आपका एक दिन में, तो ए कितना करता है 3 units। पूछे कैसे, ये आपका इफिशियंसी हो गया। कैसे इफिशियंसी हुआ, क्योंकि दोस्तों वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी, हम जानते हैं, तो बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जैसे वर्क का वैसे इफिशियंसी का हो गया। अब देखिए तो ये दोनों मिलके कितना करते हैं एक दिन में, 4 units, है ना। ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो 4 units वर्क करेंगे एक दिन में, एक दिन में 4 units वर्क करेंगे तो 9 दिन में कितना करेंगे 36, ठीक है, टोटल वर्क आपको 36 मिल गया। अब आपको बोला कि ए कैन फिनिश होल वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो ए कितना दिन में करेगा, एक दिन में 3 units करता है तो 36 दिन में कितना करेगा, 3 से डिवाइड कीजिए 12 दिन में, ठीक है दोस्तों। तो इसका 12 डेज आंसर होगा। अगर दोस्तों आपको पसंद आया होगा तो आप हमें कमेंट करके बोलिएगा सर और भी वीडियो बनाइए सर इस पर, क्योंकि देखिए ऐसा ना कि बहुत सारे लोग हमको केवल बता दिए सर ऐसा टाइप का था ऐसा टाइप का, तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ओके तुरंत तो क्वेश्चन बना नहीं सकते। ये तो क्वेश्चन गिवन एकदम एक्यूरेट मिल गया था हमको, इसलिए हम जल्दी से इसको बना दिए, और क्वेश्चन कुछ कुछ का डाटा तो एकदम नहीं है, ओके कुछ कुछ का आधा डाटा है, ओके तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका क्या करूंगा कि वैसा टाइप का कुछ अपने से डाटा लेके, लेकिन टाइप सेम रहेगा, मैं क्वेश्चन बना दूंगा। तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बोलना होगा कि हाँ सर आप बनाइए, ठीक है, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।